हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइस, अब प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6, और इसका सोल्यूशन आप मेरे ब्लॉग पे जाके भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन इज, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 6 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरलोग्राम। तो ये यहाँ पे पैरलोग्राम है, उसकी फोर वर्टिस है क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है। पैरलोग्राम क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल ही होता है, और क्वाड्रिलेटरल की चार वर्टिसेस होती है। टेकन इन ऑर्डर, तो आपको यहाँ पे ऑर्डर नहीं चेंज करना है। जैसे कि मैं अगर मैंने ए बी सी डी लिया है, तो यहाँ पे ए के साथ में बी लिखना है, बी के साथ सी, इस तरह से। अभी फिगर बनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। फाइंड एक्स एंड वाई, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है, चार कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, उसमें से दो वेरिएबल है। दो कोऑर्डिनेट में देखो, एक्स और वाई वेरिएबल है, इनकी वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, और इस ऑर्डर को चेंज ना करते हुए यहाँ पे पैरेललोग्राम में इनकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो ये ए बी सी डी मैंने चार वर्टिसेस ले लिया, ए बी सी और डी। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है हमारा? 1, 2, मतलब यहाँ पे ए लिया है, तो 1, 2 यहाँ रखना है। ये जब भी आपको आए टेकन इन ऑर्डर, तो आपको ये 1, 2 है, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बी आएगा, उसके बाद वाला सी आएगा, उसके बाद वाला डी आएगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये 4y को हमने यहाँ लिख दिया, जहां आपकी चॉइस है वहां पे आप नहीं पुट कर सकते हो। तो ये 1, 2 लिखा, फिर बी के कोऑर्डिनेट हमारे 4, y, फिर सी इज x, 6, और लास्ट है हमारा 3, 5। तो ये मैंने चारों वर्टिसेस लिख दिए, तब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें आपको सारी फिगर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि अगर स्क्वायर बनाना है तो कैसे उसको प्रूफ करेंगे, रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी है। तो मैं आपको यहाँ पे 1 by 1 बताती हूँ। तो फर्स्ट तो ये होता है, और सारी हम डिस्टेंस वाली ही लेंगे, क्योंकि हम इन्हीं, चाहे सेक्शन फार्मूला को यूज करें, चाहे हम डिस्टेंस फार्मूला को यूज करें, हम यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये हम इसको, मतलब यहाँ पे पैरेलल नहीं प्रूफ कर सकते। पैरेललोग्राम में ये भी तो प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल होती है, लेकिन वो हम इन दोनों फॉर्मूला से प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो हम सिर्फ यहाँ पे साइड की बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी ये है कि ए बी इक्वल होगा हमारा सी डी के, एंड दूसरा हमारा होगा बी सी इक्वल होगा ए डी के। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। और दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके क्या डायगनल क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो ये हमारी इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है कि डायगनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये यहाँ पे डायगनल बना लेते पहले, ए सी डायगनल और बी सी डायगनल। तो यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी है डायगनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये क्या हो गया कि अगर मैंने ये ए पॉइंट ले लिया, तो ये जो डायगनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करें, मतलब कि ए ओ इक्वल टू ओ सी होगा और बी ओ इक्वल टू ओ डी होगा। इसका मतलब हमारा ये है। तो बाइसेक्ट, इसका मतलब हमारा ये क्या हो गया? इसका मतलब ये कि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी और ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ये भी हम समझ सकते हैं। या फिर ए ओ इक्वल टू हमारा ओ सी होगा एंड बी ओ इक्वल टू हमारा ओ डी होगा। एक तो हम ये इससे इस जो बाइस इस लाइन से ये भी मतलब भी निकलता है, और दूसरा हमारा ये मतलब भी निकलता है कि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी। तो ये भी हमारा मतलब हो गया। तो अगर ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये इसको 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रही है, इक्वल रेशियो में। चाहे 1:1 ले लो, 2:2 ले लो, लेकिन जो हम लास्ट रेशियो है वो लेते हैं, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वो रेशियो हमारा 1:1 है, उसके बाद तो ये कुछ सॉल्व ही नहीं होगा। तो या तो हम इस प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व करके और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करें, या फिर हम ये डायगनल वाली प्रॉपर्टी को लेके और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करें। तो अब यहाँ पे फर्स्ट देखो, यहाँ पे हमें ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है और हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे ए बी का डिस्टेंस फाइंड करती हूँ, उसको इक्वल रखते हैं हम सी डी के डिस्टेंस के, तो हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ दो वेरिएबल है, हमें दो इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी, एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी, उसको सॉल्व कर लेंगे। बट यहाँ पे देखो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, तो ये मैं आपको साइड में करके बताती हूँ, क्योंकि ये वाला इसमें मेथड आएगा नहीं। तो ये क्यों नहीं आएगा, वो रीजन बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, उसको यूज करके ए बी और सी डी फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कोऑर्डिनेट या पॉइंट इक्वल टू क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर होता है,
फिर हमारा होता है वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले मैंने ए बी फाइंड किया, तो ए बी हमारा कितना हो जाएगा, ये मैं एक्स वन वाई वन ले लिया और ये मैंने एक्स टू वाई टू ले लिया, तो ये हमारा एक्स टू माइनस एक्स वन, तो ये हमारा हो गया फोर माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वन, वाई टू हमारा कितना है वाई माइनस टू का स्क्वायर, तो ये यहाँ पे देखो ये ए माइनस बी का स्क्वायर हो गया, तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर की वैल्यू तो हम यहाँ से सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। फोर माइनस वन हो गया थ्री, थ्री का स्क्वायर हो गया हमारा है नाइन, फिर ये हमारा ए माइनस बी का स्क्वायर हो गया, तो ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा। ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो टू स्क्वायर फोर हो गया और माइनस टू ए बी, तो टू इंटू वाई फोर वाई हो गया, तो रूट में हमारा यहाँ हो गया वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस 13 हो गया, तो ये तो हमारा ए बी आ गया। अब हम बी सी भी फाइंड करेंगे, तो वो भी हमारा एक्स के टर्म में, ये सॉरी सी डी फाइंड करेंगे, ए बी इक्वल टू सी डी है, तो सी डी भी हमारा कुछ इसी तरह से आएगा, अंडर रूट ऑफ ये हम एक्स वन वाई वन ले लें और ये हम एक्स टू वाई टू ले लें, तो ये भी हमारा इसी तरह से आएगा एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस फाइव का स्क्वायर, तो ये हमारा यहाँ आ गया। अब इसको सॉल्व किया तो फिर से ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और सिक्स माइनस फाइव वन हो गया, वन का स्क्वायर वन हो गया, तो सी डी हमारा यहाँ से कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टेन हो गया। अब मैं इन दोनों को इक्वल करूंगी तब भी हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टर्म रहेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे फिर, तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो यहाँ पे हम इस मेथड को अब नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हो यहाँ पे ये डिग्री टू हो गई, ये वन हो गई, तो हम यहाँ से हमारी दोनों इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करना बहुत टफ हो जाएगा, तो अब यहाँ पे हम दूसरा मेथड लेते हैं जो ये डायगनल वाला है, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर वाला। तो मैंने आपको अभी आपको कहा कि ये क्या होता है, इसका मिड पॉइंट होता है, तो अब एक चीज यहाँ पे याद रखो, जब भी किसी रेशियो का यहाँ पे किसी दो पॉइंट का मिड पॉइंट हमें गिवन है और ये रेशियो हमेशा सेम है, वन इज टू वन रेशियो है, तो ये पॉइंट फाइंड करने का जो हमारे पास एक फॉर्मूला होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, इसी से वो फॉर्मूला बन रहा है, तो सेक्शन फॉर्मूला हमारा होता है यहाँ से एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू होता है एक हमारा ये, और वाई वन की वैल्यू के लिए हमारा होता है एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू। तो जब भी हमारा रेशियो वन इज टू वन होगा, मिड पॉइंट हमें यहाँ गिवन होगा और रेशियो वन इज टू वन होगा, तो इसका मतलब हमारे एम वन और एम टू की वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई, तो ये याद रखने वाली बात है, इसी फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला बन रहा है, तो ये यहाँ पे एम वन और एम टू हमने वन वन हो गया, तो वन इंटू एक्स टू कितना हो गया एक्स टू हो गया, वन इंटू एक्स वन कितना हो गया एक्स वन हो गया, डिवाइड बाय वन प्लस वन, क्योंकि एम वन एम टू हमारे वन है, तो ये हमारा हो गया टू, और फिर यहाँ पे भी एम वन वन है, तो वन इंटू वाई टू इज वाई टू, फिर वन इंटू वाई वन इज वाई वन, और यहाँ वन प्लस वन तो टू, तो ये अगर हमें मिड पॉइंट गिवन है किसी लाइन का, जो उसको लाइन को डिवाइड कर रहा है उसका मिड पॉइंट गिवन है, तब हम इस सेक्शन फॉर्मूला से ये हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू, वाई वन प्लस वाई टू बाय टू, तो यहाँ पे भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके इसी फॉर्मूले से तो बना है ये वाला। अब यहां देखो हम क्वेश्चन को राइट कैसे करेंगे, लेट लेट ए इज वन कॉमा टू, बी इज फोर कॉमा वाई, सी इज एक्स कॉमा सिक्स एंड डी इज थ्री कॉमा फाइव, बी द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेलल ग्राम, ओके फिर रीजन लिखेंगे, क्योंकि ये तो सारा मैंने रफ में आपको करके बताया, सिंस द डायगनल्स ऑफ अ पैरलोग्राम बाइसेक्ट, सिंस द डायगनल ऑफ अ पैरलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो हमारा देयर फॉर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट कर रहा है तो रेशियो वन इज टू वन है, तो ये आइडेंटिटी भी है, जब भी ये पैरलोग्राम के हमें यहाँ पे फाइंड करने का आएगा कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो, इस तरह से रेशियो वन इज टू वन है, तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे पी के कोऑर्डिनेट हमारे यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ये हम जो सॉरी ये जो हमने ओ लिया है उसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, चाहे वो हम ए सी के लिए बात करो चाहे बी डी के लिए बात करो, इस ओ के कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड करेंगे, एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू
और ये हमारा वाई वन प्लस वाई टू बाय टू। तो किसी भी एक साइड को हम लेके यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले क्या कर रही हूँ, क्योंकि हमें अभी एक्स की वैल्यू चाहिए तो हम पहले ए सी की ले ले रहे हैं। तो ये नाउ ये हम ले लिया फॉर ए सी के लिए, मतलब ए सी डायगनल से हम इसको फाइंड कर रहे हैं। तो ये हमारा सबसे पहले यहाँ से हो गया हमारा ये एक्स वन, ये हमारा ये हो गया एक्स वन, ये हो गया और एक्स टू ये हो गया। तो वन प्लस एक्स बाय टू इक्वल टू, और दूसरा हमारा हो गया ये एसी के लिए हमारा यहाँ पे ये ओ के कोऑर्डिनेट है, ये हमारा ओ है ना, तो ये ओ के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं। तो ये हमारा वन प्लस एक्स बाय टू हो गया, और इसका वाई वन कितना है तो टू प्लस वाई टू कितना है तो सिक्स बाय टू ना, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ओ के हमारे कोऑर्डिनेट हो गए वन प्लस एक्स बाय टू, और सिक्स प्लस टू हमारा कितना हो गया एट बाय टू। तो दिस इम्प्लाइज ये टू की टेबल में एट कैंसिल हो गया हमारा फोर टाइम। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया ओ के कोऑर्डिनेट हमारे हो गए वन प्लस एक्स बाय टू, और ये हो गया हमारा फोर। नाउ हम ये हमने ए सी का पॉइंट मिड पॉइंट फाइंड किया है, नाउ हम बी डी का भी फाइंड कर दें। तो ये हमारा हो गया फॉर बी डी। तो बी डी के लिए ओ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो बी के डी के लिए ओ के कोऑर्डिनेट हमारे सेम होंगे एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू। तो ये एक्स वन और ये एक्स टू, तो फोर प्लस थ्री बाय टू हो गया, और वाई वन प्लस वाई टू बाय टू, तो वाई प्लस फाइव। दोनों लाइन का हमने यहाँ पे सेंटर पॉइंट फाइंड कर लिया, या सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए, और ये हमने सेक्शन फॉर्मूला से ही बनाया बाय टू। तो ये हमारा हो गया फोर के फोर प्लस थ्री तो सेवन बाय टू, और ये हमारा वाई प्लस फाइव बाय टू हो गया। बहुत इजी है। तो अब यहाँ पे देखो, ये भी ओ के कोऑर्डिनेट है और ये भी ओ के कोऑर्डिनेट है, दोनों इक्वली होंगे, क्या वैल्यू चाहे अलग अलग हो लेकिन है तो कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट तो हमारा फिगर में एक ही है ना। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे नाउ, तो ये हमने इसको सॉल्व किया, तो एक्स की वैल्यू एक्स की इक्वल होगी, वाई की वैल्यू वाई की इक्वल होगी। तो वन प्लस एक्स बाय टू इक्वल में सेवन बाय टू होगा, एंड फोर ये वाला फोर इक्वल आएगा वाई प्लस फाइव बाय टू के। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे एक्स की वैल्यू हो जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो वाई की वैल्यू हो जाएगी। अगर हम इस मेथड से सॉल्व करते तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ये वाला मेथड बहुत ईजी है, सिर्फ आपको ये सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है और यहाँ पे इनको इक्वेट कर लेना है और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो इसको सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीपल करेंगे यहाँ पे, तो ये वन प्लस एक्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीपल होगा, और ये वाला न्यूमरेटर इस डिनोमिनेटर से। सेम यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, तो वन ले लेते हैं, तो सिर्फ ये टू इधर ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीपल नहीं करने की जरूरत है। तो ये हो गया टू इंटू वन प्लस एक्स इक्वल टू सेवन इंटू टू। तो टू इंटू वन हो गया टू, प्लस टू इंटू एक्स हो गया टू एक्स इक्वल टू सेवन इंटू टू फोर्टीन हो गया। तो टू एक्स इक्वल टू फोर्टीन, प्लस टू इधर गया तो माइनस टू। तो टू एक्स इक्वल टू हमारा यहाँ पे हो गया ट्वेल्व, एक्स इक्वल टू हमारा हो गया ट्वेल्व बाय टू। तो टू के टेबल में ट्वेल्व आता है सिक्स टाइम, तो दिस इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ गई सिक्स। नाउ हम यहाँ से वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो ये फोर इंटू टू इक्वल टू वाई प्लस फाइव हो गया। सिर्फ ये न्यूमरेटर ही था तो सिर्फ डिनोमिनेटर ही था तो न्यूमरेटर से मल्टीपल हो गया। तो एट इक्वल टू हमारा वाई प्लस फाइव हो गया, एट प्लस फाइव उधर ओके माइनस फाइव हो गया इक्वल टू वाई। एट में से फाइव गया तो यहाँ पे था थ्री, तो दिस इम्प्लाइज वाई के कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितने हो गए थ्री। तो ये हमारी एक्स की और वाई की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिख लेते हैं, हैंस एक्स इक्वल टू सिक्स एंड वाई इक्वल टू थ्री। तो यही दो वैल्यू फाइंड करनी थी, तो मैंने यहाँ पे ये दोनों वैल्यू फाइंड करके बता दिया। तो बस आपको ये वाला ये एम वन एम टू वन है, यहाँ पे वन इज टू वन है, क्योंकि ए मिड पॉइंट, ओ जो है वो इसका मिड पॉइंट है, इसीलिए ये सॉल्व होके ये मैंने यहाँ पे बताया ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया। तो बस इतना ही आपको याद रखना है, और नहीं तो आप इसमें सेक्शन फॉर्मूला भी लगाओगे और सॉल्व करोगे तब भी हमारा आंसर यही आएगा। तो अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।